सरकार का ये बजट और ये पूरी प्रक्रिया को सरकार ने एक जवाबदेह रूप से लिया नहीं और इसका कई तरह का आप रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, कहीं पर इसका मेल नहीं है। वो एक परिपाटी की तरह सदन और ये पूरे सिस्टम को ले जाना चाहते हैं। एक जवाबदेह व्यवस्था के तहत अगर होता तो ऐसी शिकायतें नहीं होती। मैंने बेसिकली राज्य की आवश्यकता भविष्य को लेकर, कोई भी बजट आने वाले कई सालों के परिणाम को बदल सकता है, अच्छे परिणाम दे सकते हैं, अच्छे परिणाम की नींव रख सकते हैं, लेकिन ऐसा इस बजट में आपने देखा नहीं। सारे मूल विभाग जो डेवलपमेंट के इंडेक्स हैं उसको फोकस लिया नहीं गया है, उन पर इनको बल नहीं है, उन पर चर्चा ये कर नहीं रहे हैं। और जो भी टारगेट इन्होंने तय किया है योजनाओं का, वो टारगेट इनके सरकार के कार्यकाल से आगे का है। ये 2027 का गारंटी दे रहे हैं, 2029 की कई योजनाओं में गारंटी दे रहे हैं। लैंड से लेकर, पानी के प्रबंधन से लेकर, शिक्षा की बेहतर क्वालिटी शिक्षा को लेकर, हेल्थ के बेहतर को लेकर, इन सारे विषयों पर इनका डाटा, इनका बजट बड़ा कमज़ोर पड़ा है और कोई उस एरिया इन्होंने तय नहीं किया है। आपने कहा 31% हर विभाग में वैकेंसी है, सरकार उस पर नहीं ले रही है, युवाओं का कुछ नहीं हो रहा है इस राज्य में। अलग अलग पद, मैंने कहा कि 248,000 से ज़्यादा जो पद हैं, जिसको क्रिएट किया हुआ पद है सरकार का, जो डायरेक्ट गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या फिर सहयोग से चलने वाले जितने भी हैं, इतने पद अभी भी रिक्त हैं। और उसमें से सबसे ज़्यादा शिक्षा विभाग में तकरीबन 1.5 लाख पद शिक्षा विभाग का खाली है। जिस राज्य के अंदर 1.5 लाख पद शिक्षा विभाग का खाली होगा, वहाँ का शिक्षा व्यवस्था क्या हो सकता है, इसकी कल्पना कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, सरकार की मंशा नहीं है नौकरी देना, या सरकार इतनी तरीके से लीगली फंसी हुई है कि कभी कोर्ट नियोजन में या आपने देखा, जब गवर्नमेंट आई तो सरकार ने सबसे ज़्यादा बात और चर्चा सरकार के आने 2019 में कि वो नौकरी नियोजन पर ही बात किए थे, वो नियोजन के ही चर्चा किए थे। उन्होंने इस राज्य के लिए नीति बनाना और नियोजन करना जो सबसे बड़ा विषय था। बीच के बजट में आपने देखा, एक बजट वर्ष को ही उन्होंने नियुक्ति वर्ष के रूप में परिणत कर दिया था और इसकी चर्चाएं प्रारंभ कर दी थी। अंततः मैंने आज डाटा पढ़ा है, ये 8,000 से ज़्यादा, 8,000 के आसपास का ये डाटा, जो डायरेक्ट गवर्नमेंट और सभी गवर्नमेंट में टोटल इतना ही लोगों को नियुक्ति सरकार दे पाई है ये 4.5 साल के बाद।